बच्चों, आप कैसे हो? हमने पहली की क्लास में पढ़ा था कि कहानी का क्या महत्व है, कितने प्रकार की होती है, और आज हम कहानी मुर्गी का निराला बच्चे के बारे में हम आज उसका पहला पेज पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले मुझे आप कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। चलो बच्चों, बताओ कि आप सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे? 6 बजे? बहुत अच्छा। 7 बजे? अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। बच्चे, उठने के लिए आप क्या घड़ी में अलार्म लगाते हो? हाँ, बच्चों आप बताओ, अलार्म लगाते हो? आपके मम्मी पापा उठाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। कुछ तो बच्चे बिना अलार्म के उठ जाते हैं, पेरेंट्स उन्हें जगाते हैं, किसी का अलार्म बजता है। क्या आपने कभी सोचा है, पुराने समय में लोगों को उठाने के लिए क्या उपकरण का प्रयोग करते थे? उस समय तो कोई घड़ी भी नहीं थी। आज तो हमें अलार्म के लिए स्मार्टफोन ले लेते हैं, अलार्म घड़ी तो होती है, फोन में भी अलार्म लगा देते हैं, टीवी में भी अलार्म लगा लेते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ था? उन्हें कौन उठाता था? पुराने समय में लोगों को सुबह कौन उठाता था? हाँ, आप बताओ बच्चों। मुर्गा? वेरी गुड। मुर्गा कैसे उठाता था? चिड़िया? आपका भी उत्तर सही है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, मुर्गे की बान की आवाज से लोग उठते थे। बहुत अच्छा। तो बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि मुर्गा और मुर्गी सुबह सुबह क्यों बांग देते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसी पाठ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि मुर्गा सुबह निकाह। हाँ, ध्यान दो मेरे तरफ। फिक्र चिंता। फिक्र, बोलो बच्चों मेरे पीछे, फिक्र चिंता। दुआएं मांगना, प्रार्थना करना। दुआएं मांगना, प्रार्थना करना। सुनहरा सोने जैसा, सुनहरा सोने जैसा। लाड प्यार दुलार, लाड प्यार दुलार। इतराना घमंड करना, इतराना घमंड करना। जैसा कि बच्चा अभी हमने शब्दार्थ पढ़े, आपने मेरे पीछे पीछे दोहराए, तो हमें इन शब्दार्थ के अर्थ का पता चला। चलो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हाँ बोलो बच्चों। हाँ आप बोलिए। चलो अब पाठ पढ़ते हैं। एक बड़ी सी मुर्गी ने एक बड़ी सी टोकरी में बहुत सारे तिनके इकट्ठे किए। तिनके इकट्ठे करने के बाद उसने बहुत सारे अंडे उस टोकरी में दिए। अब टोकरी में बहुत सारे अंडे और उस पर वह दिन रात उस पर बैठना शुरू कर दिया। जब 21वें दिन क्या हुआ? 21वें दिन एक एक करके अंडे सब
बड़ा बच गया। उसमें कोई हलचल नहीं मच रही थी। माँ बड़ी खुश तो थी, लेकिन उसे एक फिक्र थी। फिक्र जो अभी हमने शब्दार्थ में पढ़ा था। हाँ बच्चों, आप बताओ फिक्र का मतलब? चिंता। शाबाश। अब माँ को फिक्र होने लगी और वह रोज सुबह अल्लाह मियां से प्रार्थना करती कि इस अंडे में से भी छोटा सा नन्ना बच्चा बाहर निकल आए। लेकिन अंडे का कोई जल्दी नहीं थी, वह आराम से टोकरी में था। लेकिन 21वें दिन तड़के सुबह के समय वह अपने आप खुटखुट करके फूटने लगा और उसमें से एक छोटा नन्ना सा सुनहरा रंग का बच्चा निकला। अब सुनहरा, हाँ बताओ बच्चों, सोने जैसा काली काली मोती जैसी आंखें, तीखी चोंच, दिखने में बहुत सुंदर होने के कारण माँ खुशी में उसे चूचू मैया कहती। अब सब उसके भाई बहन सब उसे बड़े लाड प्यार से रखते। चलो, अब हमने पहले एक शब्दार्थ में पढ़ा था लाड, तो लाड का उत्तर क्या होता है? प्यार। दुलार यानी कोई झगड़ा नहीं, सब मिलजुल कर खेलते थे। लेकिन ये चूचू मैया सुनहरा था, सुंदर था, तो इससे वह बहुत इतराने लगा और अपने आप को कुछ खास समझने लगा। अब इतराने का मतलब हमने क्या पढ़ा था बच्चों? घमंड। अब उस चूचू मैया को इतना घमंड आ गया कि वह अपने आप को खास समझने लगा और एक दिन वह अपनी माँ से कहता है, माँ मैं इस टोकरी में नहीं रह सकता, मुझे तो राजमहल जाना है, मैं राजमहल में रहूंगा। तब उनके भाई बहन उसके तरफ देखकर हंसने लगे। बहुत अच्छा बच्चों, आपने एक पेज बहुत अच्छे से पढ़ा। अब एक बार हम फिर से शब्दार्थ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। फिक्र, चिंता, दुआएं मांगना, प्रार्थना करना, सुनहरा, सोने जैसा, लाड, प्यार, दुलार, इतराना, घमंड करना। बच्चों, जैसे हमने अभी एक पहला पेज पढ़ा, अब उससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। चलो बच्चों बताओ, मुर्गी बहुत सारे घास क्यों इकट्ठा करके टोकरी में डाल रही थी? हाँ बताओ बच्चों, आप बताओ। अपने अंडे देने के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए अपना एक छोटा सा घर बना रही थी। हाँ बहुत अच्छा, कोशिश बहुत अच्छी थी आपकी, शाबाश। मुर्गी ने अपना चूचू मैया को चूचू मैया जैसे ही मुर्गी ने अपना सबसे छोटा बच्चा को देकर चूचू मैया क्यों कहा उन्होंने? हाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर था। उसका पूरा हुलिया बताओ बच्चों आप। सुनहरा रंग का था, हाँ, और काली काली मोती जैसी आंखें थी, हाँ, और नोकीली चोंच थी, हाँ। अब हम इन तीनों को एक साथ मिला दें, तो सुनहरा रंग का, काली काली मोती जैसी आंखें और
सुनहरा सुंदर दिखने के कारण मुर्गी उसे चूचू मैया कहती थी। चलो बच्चों, आज मैं आपको एक गृह कार्य देती हूँ जिसमें आप मुझे बताओ कि मुर्गी अपने अंडों पर क्यों बैठती है, जो हमने अभी इस पाठ में पढ़ा था। यह आपका गृह कार्य है और जो हमने अभी शब्दार्थ पढ़े थे वह आपको आपकी गृह कार्य नोटबुक में लिखना है। पहले आप मुझे इस उत्तर का आंसर दे दीजिए कि मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है। अच्छा हाँ, बहुत शाबाश, मुर्गी अपने पैरों की गर्मी उन अंडों पर बैठकर लगातार देती है जिससे वह अपने आप पक जाते हैं अंडे और वो कुट कुट करके बाहर टूट जाते हैं और नन्हा बच्चा निकलकर बाहर आता है। बहुत अच्छा। तो बच्चों, अब कल हम द्वित्व शब्द क्या होते